यहां एक बहुत अजीब सवाल हल करना चाहता हूं। हदीस ये है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा न पढ़ी जाए तो मुक्तदी की नमाज नहीं होती है, ये मसला बाद लोगों के नजदीक हो जाए। अच्छा, अब जब हम ये बात कहते हैं तो सामने वाले ये कहता है, अरे ये बात तो कुरान के खिलाफ है, तुम कहते हो कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती, और अल्लाह फरमाता है वइदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वअन्सितुलकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश हो जाओ, गौर से सुनो। कुरान पढ़ते वक्त सिर्फ सुनना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। लिहाजा इमाम अगर क़िरात कर रहा है तो पीछे मुक्तदी को कुछ पढ़ना नहीं है। अगर कुछ पढ़ता है तो इस आयत करीमा के खिलाफ है। अब हमारा भाई कंफ्यूज हो जाता है, अरे हाँ ये बात तो सही है, हम ये कहते हैं कि इमाम के पीछे अगर सूरह फातिहा पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होगी, और कुरान कह रहे हैं तो कुरियल कुरान फस्तमिउ, होया हदीस पेश करने पर वो कुरान की आयत पेश करता है, यही है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हदीस आ जाने के बाद कोई आदमी कुरान की आयत से मुआवजा कर सकता है? ना, दलील दलील ये हदीस वन सईद बिन जुबैर अन्नहु हद्दथा यौमन बिहदीथ अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल रजुल फि किताबिल्लाह मा लिखा हुआ है फकाल अला अरानी उहद्दिसुका अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख फि किताबिल्लाह काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला बहुत गौर से सुनिए। हजरत सईद इब्न जुबैर ने एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान की, अन्नहु हद्दथ यौमन बि हदीस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सईद इब्न जुबैर ने एक दिन एक हदीस बयान की। जैसे इन्होंने हदीस बयान की एक आदमी बोल पड़ा, अरे ये कैसे हदीस बयान करो, फी किताबिल्लाह मा युखालिफु हादा, अल्लाह की किताब में तो इसके उलट है, तुम कह रहे हो ये है और हदीस पेश करते हो लेकिन कुरान में तो बिल्कुल इसके उल्टा है, फी किताबिल्लाह मा युखालिफु हादा। तो वो साहब कहने लगे, हजरत सईद इब्न जुबैर तेरा दिमाग खराब है, तेरा दिमाग खराब है, मैं हदीस पेश कर रहा हूं अला अरानी, मेरा ख्याल ये है वो हद की सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूं तारीख की किताबिल्लाह और तू किताबुल्लाह से मुआवजा कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बि किताबिल्लाह, इनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की मालूमात तुमसे ज्यादा थी, इसका मतलब ये हुआ कि रसूल कोई साहित्य करीमा का मतलब ही नहीं समझा, कितनी बात बोलता है, इतना बड़ा गुनाह है ये कहना। अगर ये कहा जाए कि हदीस मौजूद है तमाम की वजह से फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती, अब अगर कोई आदमी यह आयत पेश करे तो गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि रसूल को उस आयत करीमा का मतलब ही नहीं समझा, और हजरत सईद इब्न जुबैर फरमा रहे हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बि किताबिल्लाह, जिनका अल्लाह के रसूल इस रूए जमीन पर वह शख्सियत है कि जिनसे ज्यादा किताबुल्लाह का इल्म किसी के पास नहीं, और इस आयत करीमा से मुआवजा करने वाला दर हकीकत नबी पर इल्जाम लगा रहा है कि नबी ने उस आयत करीमा का मतलब ही नहीं समझा।